डरने की जरूरत नहीं है, मेरे तो सिर पर सिंह भी नहीं है। सिंह है क्या? किसको लग रहा है कि गुरु जी के सिर पर सिंह है? मेरे से तो चींटी को भी डरने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हंसते रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं। मुझसे ही डरोगे तो फिर कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? मेरा काम है आपको समझाना। अभी कोई व्यक्ति आए, मैंने कहा कितने रुपए की शराब पीते? बोले मैं शराब नहीं पीता। फिर कह रहा मैं पीता हूँ, मेरी तरफ से सारे शराब पियो, मेरा क्या जाता है? पैसे तुम्हारे, लीवर तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, घर तुम्हारा, किडनी तुम्हारी, दोष संकट तुम्हारे, मेरा काम है कहना, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो गवर्नमेंट जॉब है, ब्रह्मलेख है, मैंने भविष्य बता दिया, सफल हो जाएगी। केवल ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, और जो दो चार चीज़ें जो मैंने बताई उसी से जो छोटी मोटी समस्याएं, ये इतना करने से समस्याएं खत्म, शत प्रतिशत। और मैं तो बेटा आपके साथ हूँ, आप मेरी पुत्री के समान है, बिल्कुल शत प्रतिशत आपका उद्धार और कल्याण निश्चित है। केवल विद्यार्थी को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने लक्ष्य पर अपना 1 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के चलो। आपके पिता महाराज जिन परिस्थितियों में आपकी परवरिश कर रहे हैं, माता पिता, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखो। जब भी मन भटके दाएं बाएं, तो आप ये सोचो कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके ऐसा करने से माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी, वो आपके अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं। तो विद्यार्थी को केवल विद्यार्जन से मतलब, और जैसे ही मन चलायमान हो तो अपने बैकग्राउंड को ध्यान करो, अपने फैमिली को देखो, अपने माता पिता को देखो कि आप विद्यालय में क्या करने जाते हो, आप कर क्या रहे हो। बस इसी मनोभाव से आपका मन परिवर्तित हो जाएगा अपने आप। मन भटकता है, हर किसी का भटकता है, लेकिन मन को एकाग्रचित कैसे करें विद्यार्थी? अपने माता पिता का ध्यान, कि किन परिस्थिति में आपके पिता महाराज आपका लालन पालन कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है, खुश रहो, आनंद में रहो, लाओ।